ओके स्टूडेंट्स, तो अलाइनमेंट का मैंने आपको कहा था कि अगर आप यहाँ पर अलाइनमेंट करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहीं पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू अलाइनमेंट करो, उसके बाद अलाइनमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है, उसकी फ़ाइल को, अलाइनमेंट की फ़ाइल को। ओके, हम लोग क्या चूज़ करते हैं कि हम यहीं पर अलाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप चूज़ करेंगे कि आपको किस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है अलाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं क्लास्टर डब्ल्यू के लिए कहती हूँ, आपने कॉडाउन नहीं हमने यूज़ करने क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग फॉर प्रोटीन सीक्वेंस। सो ये आएगा नथिंग सेलेक्टेड फॉर अलाइनमेंट सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अगर तो आपने यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं किया होगा ना, एक वे ये है कि आप यहाँ पर पहले से सब सीक्वेंसेस को सिलेक्ट करें, अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ ओके करके सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट यहाँ कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू राइट द वन और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना, ठीक है, सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। खुद से सेलेक्ट कर लो या सॉफ्टवेयर जब आपको यहाँ पर नोटिस दिया था ना अभी उसने, तो ओके का बटन प्रेस करो, ये सारी की सारी खुद का खुद सेलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अलाइनमेंट क्लास्टर लव्यू और ये ना इसकी इसी तरह से पैरामीटर्स रहने देने हैं, ठीक है। हर ना सॉफ्टवेयर जिसने डिज़ाइन किया होता है ना उसके पीछे एल्गोरिथम रन हो रहा होता है ना, तो जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये जिसने बिल्ड किया होता है ना, जिसने डिज़ाइन किया होता है एल्गोरिथम्स वगैरह, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो अगर आपको कोई बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियो तो उसमें आप अपना चेंज करें, अदरवाइज यू शुड गो फॉर बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो इनकी सेटिंग्स हुई हैं। सो सी इट्स डूइंग द पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड देन इट इज़ मल्टीपल अलाइनमेंट। तो आप लोगों ने अगर लास्ट सेमेस्टर्स में ये ना अलाइनमेंट का बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता होगा कि मल्टीपल अलाइनमेंट में क्या होता है, पेयर वाइज अलाइनमेंट में होता है ना, दो सीक्वेंसेस के दरमियान अलाइनमेंट होती है। तो वो पेयर वाइज अलाइनमेंट में क्या होता है, सॉरी मल्टीपल अलाइनमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल अलाइनमेंट में भी पहले वो पेयर वाइज अलाइनमेंट करता है ना, फिर उसके बाद आपको शो करके टोटल जितनी भी आपकी स्पीशीज़ हैं फिर मल्टीपल अलाइनमेंट शो करता है आपको, ठीक है। जैसे ये इन सबकी जो पीछे अलाइनमेंट हुई है ना, अब आपको देखें मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर का बटन क्लिक किया है, आपको क्या पता इस सॉफ्टवेयर ने कैसे काम किया है, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा ना। तो लेकिन अगर आपने पहले सेमेस्टर्स में अलाइनमेंट के बारे में अच्छा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसने मल्टीपल अलाइनमेंट कैसे किया है। इसने ना सबसे पहले सीक्वेंस मैच किया होगा इसका इसके साथ ना, पहली सीक्वेंस इसके साथ मैच की है, क्या ये आपस में क्लोज हैं, उसने देखा है इनकी सीक्वेंस आपस में ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी से मतलब सिमिलर नहीं है ना, तो उसने क्या किया, अच्छा इसको छोड़ता हूँ, इसको देखता हूँ क्या इसकी पहले वाले की इसके साथ सिमिलर है, अच्छा इसने कहा अच्छा ये बहुत अच्छी सिमिलर आ रही है, उसके बाद इसने इसको चेक किया तो इसने देखा ये और ज़्यादा सिमिलर आ रही है, तो इसने क्या किया है फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले की क्या किया आपस में, फर्स्ट वाले की और फोर्थ वाले की क्या कर दी, पेयर वाइज अलाइनमेंट की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉफ्टवेयर दोबारा रन हुआ है, सॉफ्टवेयर सेकंड पे गया है, उसने देखा है इसके क्लोज कौन सी सीक्वेंस है ना, फिर उसने देखा है अच्छा मे बी ये थ्री जो है ज़्यादा क्लोज है, फिर इसने क्या करना है टू और थ्री की आपस में पेयर वाइज अलाइनमेंट करवानी है। अब ये वन और फोर्थ के पेयर वाइज अलाइनमेंट का जो रिजल्ट आया होगा और जो सेकंड और थर्ड वाले का रिजल्ट आया होगा ना, ये उन दोनों की अलाइनमेंट को कंबाइन करके आपको मल्टीपल अलाइनमेंट शो करता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द मल्टीपल अलाइनमेंट्स वर्क, अलाइनमेंट वर्क्स, ओके। सो ओके, ये ना आपके पास अलाइनमेंट हो गई है, ये देखिए ये टी 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 और ये आपको कलर भी बकायदा शो कर रहा है इसके ना, हर रीजन के, और ये आई थिंक आपको पता है ये सारे गैप्स बता रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है इसका। तो स्टूडेंट्स एक बात है कि यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में गैप कब इंसर्ट करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो हमारे जब भी अलाइनमेंट हो रही होती है तो गैप इंसर्ट करने का क्या पर्पज़ होता है, ये देखें यहाँ पर ये टी आ गया ना, उसके बाद यहाँ ये सी आना चाहिए था इधर, लेकिन सॉफ्टवेयर ने जो एल्गोरिदम है वो इतना एफिशिएंट होता है, वो आगे से जाकर चेक करता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर सीक्वेंसेस वगैरह जो हैं वो एडजस्ट होंगे तो हमारे पास हाईली सिमिलर रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये सी है ना, यहाँ टी है तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ सी होना चाहिए था, उसने गैप इंसर्ट कर कर करके सी को यहाँ पहुँचा दिया है, हालांकि यहाँ सी इसके नीचे आता, ये भी तो हमारे पास एक अलाइनमेंट ही आनी थी ना। बस देखिए उसने आगे कितना अच्छा ऑब्जर्व किया है कि अगर यहाँ पर सी को वो यहाँ ले आता तो जी हमारे पास यहाँ आना था फिर, ठीक है। तो इसलिए उसने आगे आगे गैप इंसर्ट करता गया ताकि ये आगे आगे सीक्वेंस पुश होती जाए, हालांकि सी यहाँ लिखा जाना था ये वाला ना, या ये तो इसने एक गैप डाला सी को आगे पुश किया, फिर अगला डाला सी को पुश किया, तो आगे पहले ये देखता है कि अगर मैं इनको पुश करता जाऊँ, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पुश किया है ताकि देखें आगे कितने सिमिलर रीजन आपको मिल रहे हैं ना। तो गैप जो होता है वो एल्गोरिदम सिर्फ इस पर्पज़ के लिए इंसर्ट करता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर रीजन जो हैं वो मिल सकें। ओके, तो ये आपकी अलाइनमेंट हो गई है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें होता है कि ये जो ना एंड से अगर हमारे पास इस तरह से सारे गैप्स वगैरह आ रहे हैं ना ज़्यादा सीक्वेंसेस में, तो हम इनको डिलीट कर देना उठा के। एडिट
और यहाँ है हमारे पास डिलीट। ओके तो ये देखें डिलीट हो गया, और हम इधर भी इसको ऐसे मूव करेंगे ना, जो हमारे पास एरोज होते हैं ना, मैं उनके साथ मूव कर रही हूँ। फोर एरो होते हैं ना हमारे कीपैड के ऊपर, तो अगर आप लेफ्ट वाला करेंगे तो ये लेफ्ट राइट पे मूव होता जाएगा, और अगर आपको एकदम इसको करना है तो बस यहाँ से इसको करें, ठीक है। अच्छा अभी स्टार्ट में मैं देखती हूँ, स्टार्ट में ना मोस्टली हमने इन गैप्स वगैरह को ना रिमूव करना होता है ताकि हमारा ट्री जो है वो अच्छा कंस्ट्रक्ट हो। जस्ट अभी तो ठीक है, सो ओके। अच्छा अभी हमारे पास अलाइनमेंट होगी, मल्टीपल अलाइनमेंट। आपने ना इस मल्टीपल अलाइनमेंट के डेटा को ना सेव करना है। आप एक्सपोर्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, किस फॉर्मेट में, मेगा के फॉर्मेट में। अभी यहाँ मैं मेगा के फॉर्मेट में ही आपको क्यों कह रही हूँ आप करें, क्योंकि मुझे पता है मैंने मेगा को यूज़ करते हुए ना इसके बाद ट्री कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है ना, तो अगर मेरे पास मेगा के फॉर्मेट में ही मैं इसको कर लूँगी तो आगे यही सॉफ्टवेयर अपने फॉर्मेट को तो एक्सेप्ट करेगा ना, तो इसलिए हम मेगा फॉर्मेट में ही इसको कर लेते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही रख लेती हूँ। अच्छा ये पूछ रहा है ये प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो मैंने आपको कहा था हमारी 16S प्रोटीन को कोड नहीं करती, ठीक है। तो मैं कहूँगी नो, ये मेरे पास फाइल आ गई, ठीक है। इस तरह के आइकन में आएगी, क्योंकि मेगा का फॉर्मेट ना, तो मेगा के आइकन में आएगी है। अच्छा अभी दूसरा हमारे पास क्या होगा, तो आपने इसकी मेन विंडो पे ऐसे जाना है, ये मेन पेज है ना मेगा का, आपने अब क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास आ रहा है फाइलोजनी, ठीक है। फाइलोजनी पे क्लिक करना है। अब ये देखिए कितने मेथड आ रहे हैं यहाँ पे ट्री बिल्ड करने के ना, मैक्सिमम लाइकलीहुड आ रहा है, नेबर ज्वाइनिंग आ रहा है, मिनिमम एवोल्यूशन आ रहा है, और हमारे पास आ रहा है UPGMA आ रहा है, और मैक्सिमम पार्सिमनी आ रहा है, ठीक है। तो सपोज हम लोग नेबर ज्वाइनिंग कहते हैं ना कि हमने नेबर ज्वाइनिंग के थ्रू करना है, डिस्टेंस बेस है ना, और डिस्टेंस बेस पे मैंने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं नेबर ज्वाइनिंग को प्रेफरेंस देते हैं ओवर दी UPGMA में, तो जस्ट ठीक है। अच्छा ये कह रहा है अब आप अलाइनमेंट की फ़ाइल बताएं कहाँ से पिक करनी है ना, तो अलाइनमेंट की फ़ाइल I4 गॉड के उसका नाम क्या था, अच्छा सिक के नाम से मैंने रखी है, एंड ओके सिक डॉट मैक, तो ओपन करें यहाँ पर इसको। ओके तो आपका ना यहाँ फाइल शो ना होगी, शो शुरू भी हो गई है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये देखें ये विंडो आती है, ये ना हो जूम नहीं होगा अभी, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। ओके अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारे पास ना रन करने से पहले, ये इस कंस्ट्रक्शन का ये NG एल्गोरिदम रन करने से पहले उससे कुछ पूछता है कि आपके पास स्कोप ऑल टेक्स्ट सेलेक्टेड, हमने मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं नेबर ज्वाइनिंग, और यहाँ पर जिसका भी ये टेस्ट ऑफ फाइलोजनी मैंने आपको दिन में बताया ना, आपने यहाँ पर अपना जो है ना ट्री को आपने देखना है कि वो रिलायबल है कि नहीं, तो उसके लिए मस्ट है आपने यहाँ बूटस्ट्रैप मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप इंटीरियर ब्रांच टेस्ट करना चाह रहे हो तो ये भी कर सकते हो, बट द वाइडली यूज इज अ बूटस्ट्रैप, इसलिए मैंने आपको उसका बताया है। तो जिन लोगों के यहाँ पर नन होगा ना, मोस्टली यहाँ पर नन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने खुद से यहाँ बूटस्ट्रैप सेलेक्ट करना है। अब ये कह रहा है कितनी रेप्लिकेशंस आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है ना कि आपकी स्पीशीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, जैसे 20-30 स्पीशीज़ है, तो आप यहाँ पर खुद से ना 1000 लिख सकते हो यहाँ पर ना, अदरवाइज अगर इफ़ इट इज़ अ लेस नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैन 500 इज़ ओके। तो हमारी स्पीशीज़ तो जस्ट हमारे पास कितनी हैं, 4 हैं, तो 500 इज़ ओके। और सब्स्टिट्यूशन टाइप हमारी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है ना, हम उन पे काम कर रहे हैं, और मॉडल बता रहा है ये कौन सा है, मैक्सिमम मेथड इसका कौन सा है, कंपोजिट लाइक्लीहुड, और सब्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। आई थिंक ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन का आपको दोनों टर्म्स का पता होगा, जिनको नहीं पता प्लीज़ गो एंड गूगल दैम। ओके बाकी बता रहा है रेट्स फ्रॉम साइट, यूनिफॉर्म रेट्स लेगा, एंड होमोजिनस, एंड गैप्स, मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट, पेयर वाइज डिलीशन, नंबर ऑफ थ्रेड्स जो आपके पास होंगे। तो ये ना आपने ऐसे चीज़ की रहने देनी है, इसमें जो मेन देखने वाली बात होती है ना, एक तो आपने यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइलोजनी टेस्ट, एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ना सब्स्टिट्यूशन कौन सी इंक्लूड करना चाह रहे हो, ठीक है ना, जस्ट ट्रांजिशन या जस्ट ट्रांसवर्जन या फिर दोनों, तो हम दोनों ही ऐड करना चाह रहे हैं। सो देन रन ओके। सो ये देखें ये वर्किंग कर रहा है, और वर्किंग करने के बाद ये हमें इसने ट्री दे दिया, ठीक है ओके।
तो अभी हमारे पास क्या डेटा आ गया है ये हमें बता रहा है। ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आउटग्रुप देखें। आउटग्रुप का मैंने कहा था ना, अब यहाँ से ये रूट है, रूट नोड हमारी ये है, ठीक है ना। अब इस रूट नोड से हमारा बाकी की स्पीशीज़ एक तरफ है सारी की सारी बैक्टीरिया की, और ये आउटग्रुप जो आर्किया का है वो बिल्कुल अलग आ रहा है ना, यहाँ से रूट नोड से निकल रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी ट्री कंस्ट्रक्शन ठीक है। अगर ये आउटग्रुप यहाँ पर कहीं होता ना, यहाँ इसके साथ यहाँ पर कहीं, तो इसका मतलब है ये तो उनके साथ जाकर मिक्स हो गया, ये तो ट्री में कुछ ना कुछ हमारे सीक्वेंस वगैरह में कुछ इशू है ना। तो हमें पता है कि आउटग्रुप अलहदा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बैक्टीरिया हैं, इन्हें एक एक लेयर पर आना चाहिए, और इसको अलहदा आना चाहिए क्योंकि ये आर की है, ठीक है। ओके सो जस्ट रीड इट। अच्छा, यहाँ हमारे पास पहली स्पीशी है सलमोनिला। अब ये बता रहा है कि सलमोनिला जो है ये सिट्रोबैक्टर के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि ये एक ही क्लेड पे प्रेजेंट है। अच्छा, ये सिस्टर स्पीशीज है ना, इनको हम लड़के हैं सिस्टर ग्रुप कहेंगे। और ये जो 100 लिखा है ना, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप वैल्यूज़ हैं। अब ये बता रहा है कि बूटस्ट्रैप वैल्यू हमारी कितनी आई है टोटल, ये 500 में से नहीं निकालनी शुरू कर देनी, ये 100 में से होती हैं परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 100% ये वाली क्लेड जो है ये रिलायबल है आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक आया है। आगे ये बता रहा है ये 99% जो है हमारे लिए ये रिलायबल है इनका आपस में रिलेशनशिप। और मोर देन अगर हमारे पास 80 होना तो हम लोग समझते हैं कि ये अच्छा है ना। अगर किसी की 80 से कम होगी ना, तो इसका मतलब है कि उनका पूर रिलेशनशिप है, उनका रिलेशनशिप से इतना हमारे ट्री ने शो नहीं किया। ओके सो इफ़ यू वॉन्ट टू सेव दिस ट्री एंड यू शुड, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, लेट मी चेक वट काइंड ऑफ ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट, एक तो ये सेव करंट सेशन करें, ये आपका ट्री जो होगा ना डॉट MTS एक्स के फॉर्म में, ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है इसको सेव करने के ना। अच्छा दूसरा ना ये देखें, न्यू इक ट्री, आपने ना न्यू इक ट्री फॉर्म में, ये ना एक फॉर्मेट है न्यू इक का ना। अब न्यू इक ट्री का जब आप फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, क्लास में शायद मैंने आपको एक बार बताया था कि जो हमारे पास ट्री होता है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा होता है ना। अब उसमें ट्री ऐसे नहीं नज़र आता, ये जैसे इस तरह है ना। ट्री क्या होता है, आपके पास होता है यहाँ पर लिखा होगा स्पीशी वन का नेम, टू का नेम, और आगे जितना इनके दरमियान डिस्टेंस वगैरह वो लिखा होगा, इस तरह से करके मैथमेटिकल फॉर्म में होगा। जब आपने ना इसके बारे में पढ़ना ज़रूर है कि न्यूइक फॉर्मेट क्या होता है, और न्यूइक फॉर्मेट उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने फर्दर इसको और एनालिसिस के लिए यूज़ करना है ना, तो सबसे बेस्ट है आप न्यूइक फॉर्मेट पर जाओ। ओके, पेयर वाइज डिस्टेंसेस, एंड अगर आप टेबल फॉर्म में इसको राइट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ओके, अगर आप इसके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो इस तरह से हो सकता है, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो। अच्छा, ग्रुप नेम इंपोर्ट करने का मतलब है, अगर यहाँ आपको नेम नहीं ना पसंद तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और सर्च इमेज, अच्छा, और ये बात है कि अगर आप अपने यहाँ पर इसको इमेज की फॉर्म में करना चाह रहे हो ना, सपोज मैं PDF के फॉर्म में करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको फाइल को नेम दूंगी ट्री, दैट्स ओके। ओ लोकेशन नोटिस, ओके जस्ट ओपन दिस वन। यहाँ से ना मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी है, नाउ इट्स ओके। तो इट्स प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, तो ये मेरे पास ट्री यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपके पास ट्री इस तरह से PDF के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस वन इस रेफरेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने नोटिस में रखनी है, ये तो ट्री ना हमने सेव किया है ना PDF वगैरह के फॉर्म में जो किया है, ये जो PDF के फॉर्म में हमने ट्री किया है ना, ये जस्ट है कि, लेकिन ना आपने अगर पब्लिकेशन वगैरह के लिए जाना है ना, तो आपने ये जो इमेज फॉर्म में जो ट्री देना है ना, सेव नहीं करना कभी भी ना अपने पास। आपने जिस चीज़ को अपने पास खुद देखने के लिए या इनका रिलेशनशिप समझने के लिए ट्री को इन इमेजेस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना, सेव करना है। तो आप बेशक जिस चीज़ में मर्ज़ी सेव करते जाओ, उसने कौन सा कहना है कि मुझे एक से ज़्यादा चीज़ों में सेव नहीं करना। तो आपने कोशिश करनी है कि हर बार आपने ये जस्ट आप लोगों के समझने के लिए होगा कि अगर आपने जस्ट यूज़ करना है, बट पब्लिकेशन के लिए ना आप ना न्यू एक फॉर्मेट में करके रखो अपना ट्री, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। या फिर सेव करंट सेशन इसने कहा है ना .MSTX, तो इसमें आप कर सकते हो। और द मोस्ट रिलायबल इज़ वन न्यूइक फॉर्मेट, ठीक है, आप न्यूइक फॉर्मेट में करो। अच्छा, अपना इनका फ़ायदा क्या होता है, ये जो पब्लिकेशन वाले हैं वो आपके आपसे इस तरह के फॉर्मेट क्यों मांगते हैं ना,
तो होता ये है कि अगर आप ना पीडीएफ के फॉर्म में पेपर में जमा करोगे ना, आपने पेपर पब्लिश करना है, आपने पेपर लिखा है, उसमें आपने ये ट्री जो है इमेज फॉर्म में दिया, किसी पीडीएफ के फॉर्म में या किसी बीएमपी या पीएनजी के फॉर्म में दे दिया, अच्छा अब जो ना वो रिव्यूअर होगा ना पेपर का, वो जो रिव्यू कर रहा होगा आपके पेपर को, देख रहा होगा, तो वो कभी भी आपके ट्री में कुछ चेंज करके नहीं देख सकता। उसको क्या पता ये ट्री ठीक बनाया या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया या ऐसे ही आपने अपने से ड्रॉ कर दिया है। ये देखेंगे स्ट्रक्चर ही है ना, ये तो हम किसी सॉफ्टवेयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे का स्ट्रक्चर लाइन्स ही ड्रॉ करनी है ना, तो वो कुछ भी चेंज करके ना नहीं देख सकता। अब ये इमेजेस में, ये जो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में ट्री किया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, इसमें जस्ट हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ चेंज नहीं होगी इसमें। तो लेकिन अगर आप न्यूइक फॉर्मेट में वहाँ पर ट्री दोगे उसको, तो वो क्या होगा, इसमें चेंजेस कर करके देख सकता है कि ये ट्री जो है ये ओरिजिनल भी है कि नहीं है। तो इसलिए जब भी आप पेपर वगैरह सबमिट करोगे, जो हम पर फाइलोजेनेटिक ट्री यूज़ होंगे, तो वहाँ पर आप जब पढ़ोगे ना ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस में, वहाँ लिखा होगा कि हमें पीडीएफ में या इमेज फॉर्म में कोई ट्री नहीं भेजना, हमें इस तरह के फॉर्मेट में भेजना, ठीक है। अच्छा ये न्यूइक है, और इसके अलावा ना हमारे पास ना एक नेक्सस होता है फॉर्मेट, ठीक है। न्यूइक और नेक्सस फॉर्मेट, इन दोनों फॉर्मेट का बहुत होता है, ये ऑलमोस्ट हर जर्नल एक्सेप्ट करता है इसे ना। तो आपने न्यूइक और नेक्सस जो फॉर्मेट है ना, इनका पढ़ना, ये दोनों फॉर्मेट क्या होते हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया तो हो ना ये फॉर्मेट किस तरह के दिखते हैं। ओके द नेक्स्ट वन इज, अच्छा नेक्स्ट इसमें जो मैंने आपको चीज़ बतानी थी वो ये आपके काम किया कि आप ना इनको ना राइट को री राइट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और आपको लगे कि आपके ना स्पीशी का नेम यहाँ पर ठीक से टाइप नहीं हुआ हुआ, या आपने कुछ और भी साथ एंटर करना था, या बताना है कि ये स्पीशीज़ 1 है, 2 है, कुछ भी है, तो आप ना इस तरह से करके ना नाम को एडिट कर सकते हो, ठीक है यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा ना यहाँ बहुत कुछ है जो कि ना इसकी शेप्स वगैरह भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं हमारे पास ना। जैसे अगर आप ये, अगर आप यहाँ पर रेडिएशन रेडिएशन चूज़ करोगे ना, तो देखना ये ट्री की शेप चेंज होगी। ये है हमारा वही ट्री है, बस वो ये है कि वो आपको डिफरेंट फॉर्म में, इसको फॉर्मेट्स में इसको दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा सर्कल करेंगे तो ये गोल भी, कभी आपने देखा होगा ना ट्रीज होते हैं, ये देखो और रेक्टेंगुलर। ओके तो आप यहाँ से ना ये चीज़ है जो मैंने आपको कहा था कि आपने ना सॉफ्टवेयर को खुद से इंस्टॉल करना है, उसके हर ऑप्शन को एक बार चेक करके देखना है ये कहता क्या है, ठीक है। और कंप्यूटर कंसेंसस, अच्छा ये अभी आपके काम का नहीं है, और ये नहीं है, सी ये आपने जिस पे क्लिक किया ना वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके पास इस तरह से, मैंने आपको कहा था ना आपने अगर खुद से ट्री की टोपोलॉजी वगैरह चेंज कर करके देखनी है, तो आप इस तरह कर सकते हो। सो दिस इज सर्विस वन, ओके। एनी तो आपने सारे ऑप्शंस को यूज कर करके देखना है इसमें। सो नाउ व्हाट्स योर टास्क, आपने यहाँ से हमारे पास है ऑप्शंस कंप्यूट यू, ये जितने भी है ना अरेंज टैक्सा के बाय इनपुट ऑर्डर, और आपने ये ट्री के स्टाइल जो भी मैंने आपको बताए हैं, क्या शो करना है, क्या हाइड करना है, ये सारी चीज़ें आपने करके देखनी है, बारी बारी ऑप्शन करके देखनी है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए हमारे पास ब्रांच की लेंथ भी बतानी शुरू कर दी है इसने, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको यहाँ समझाती जाऊँ, ये तो खैर है ना कि आप अपने ट्री को कितना खूबसूरत बनाना चाह रहे हो, किस तरह चाह रहे हो ना, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ जो कि ना बायोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए। अच्छा इसमें देखें हमारे पास ना यहाँ पर एक ना कॉमन इनका इंसेस्टर है, और एक स्पीशी ये है, दूसरी स्पीशी ये है, इसका मतलब है कॉमन इंसेस्टर इधर ही बनेगा ना इनका। आपने देखा है कॉमन इंसेस्टर से इसकी देखें कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है, और इसकी कितनी छोटी ब्रांच लेंथ है ना, ब्रांच लेंथ ही बोलते हैं ना इनको हम लाइन्स को, ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया है कॉमन इंसेस्टर से, और ये बहुत पीछे रह गया है।
तो ये जो मोर और लेस डाइवर्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की भी कोशिश कर रही थी ना पिछले लेक्चर्स में, वो भी ये था कि ना आपको मैं कहूँ कि ट्री में से आपने मुझे बताना है लेस और मोर डाइवर्स स्पीशीज़ ला कर देनी है, तो आपने क्या कहना है, आपने फ़ौरन मुझे ये वाली स्पीशीज़ का बताना है इन दोनों का। आपने कहना है अच्छा इनका कॉमन एंसेस्टर ये था और ये एक पेयर बना सकती हैं, क्योंकि ये जो है ये वाली स्पीशी ये बहुत मोर डाइवर्ज हो गई है या आगे ज़्यादा निकल गई है और ये पीछे रह गई, तो इसका मतलब है ये लेस डाइवर्ज हुई है। तो फिर इन दोनों का आपने पेयर बनाना है। पेयर क्यों बनाना, मैंने आपको बताया था डिफरेंट पर्पजेज के लिए ना, आगे इनकी स्पीशीज़ पर आप इन दोनों स्पीशीज़ का ना आप में भी जीसी कॉन्टेंट लेके इनके जीसी कॉन्टेंट को कंपेयर करो कि जब कोई स्पीशी लेस डाइवर्ज होती है तो उसके जीसी कॉन्टेंट कितने होते हैं, जब मोर डाइवर्ज होते हैं तो उसके जीसी कॉन्टेंट कितने होते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। तो आई होप कि जब आपको ना नेक्स्ट आएगा ना लाइक के आपको कोई भी रिसर्च वगैरह आएगी ना, तो आपको तब ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल रहेगा। और एनजे की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये ना बताता भी है ना कौन सी ज़्यादा डाइवर्ज हुई है कौन सी कम हुई है। यही आप यूपीजीएम में करेंगे ना, आप देखेंगे सारी की सारी इक्वल लाइन, यहाँ पर ये लाइन भी इतनी बड़ी मिलनी थी, लंबी मिलनी थी आपको ना, तो वो नहीं बताता कौन सी ज़्यादा डाइवर्ज हुई है कौन सी कम। सो आपके करने वाला काम क्या है, अब आपने ना जितने भी वो यूपीजीएम के मैथड थे ना बारी बारी उनसे ना ट्री कंस्ट्रक्ट करके देखना है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पर इस ट्री पे इसने शो किया ना कि सलमोनेला और सिट्रोबैक्टर एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं और उसके बाद ये दोनों मिलके इसके ज़्यादा करीब हैं, तो आपने दूसरे जो ट्रीज़ है ना उनसे भी दो दूसरे मेथड हैं, जैसे इसके साथ दूसरा मेथड कौन सा यूपीजीएम में है ना, तो आपने देखना है कि ठीक है वहाँ वो ना डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो बताना है, वो उसका काम है ना उस एल्गोरिदम का कि वो आपको बताए कि ये जो स्पीशी है ये इसके ज़्यादा क्लोज है और ये दोनों स्पीशीज इसके क्लोज हैं, ठीक है। तो यूपीजीएम में ये चीज़ आपको मस्ट बताएगा और आपके ना ये जो ट्री टोपोलॉजी है एक जैसी नज़र आनी चाहिए। एंड आई एम जस्ट टोपोलॉजी पास टोपोलॉजी आई थिंक मैंने आपको जो चीज़ें थी जो हर जगह आपके काम आएंगी मैंने आपको बताई हैं। जूम आउट सो माई लैपटॉप स्क्रीन इज डैमेज वेरी बैडली। And I didn't find any Apple shop here in Faisalabad, so I don't know where I should send it to repair. Okay, तो students I hope कि ये आप लोगों के लिए ना helpful रहेगा। अच्छा हम export करके ना ये न्यूविक का यहाँ पर देखते हैं branch length और booster values. हाँ ये मैं आपको न्यूविक का बताती हूँ, देखिए ये न्यूविक format है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्री है, देखिए ये ट्री है न्यूविक फॉर्मेट का ना, ट्री इस तरह का होता है। अब वो ट्री हमें एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ रहा था ना, यहाँ पर न्यूविक ट्री आपको इस तरह से आएगा। ये देखें यहाँ पर वो बता रहा है हमारे पास सलमोनेला है और ये उसकी आ रही है हमारे पास ब्रांच लेंथ, ये जो डिस्टेंस नहीं आ रहे ये डिस्टेंसेज बता रहा है सारे, ठीक है। इस स्पीशी का इसके साथ डिस्टेंस कितना है वो ये बता रहा है और फिर इनका आपस में मिलके दोनों का डिस्टेंस कितना है वो ये बता रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब जो ये रिव्यू करने वाले होते हैं ना, पेपर रिव्यू करते हैं, वो यहाँ से आराम से वैल्यू चेंज कर करके देखेंगे कि इन्होंने ट्री जो है वो ओरिजिनली बनाया कि ऐसे ही किसी का ट्री या वैसे ही ड्रॉ भी तो हो सकता है ना, ये वाला ट्री हमें ड्रॉ करके हमें भेज दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप के ना मैंने आप लोगों को जितनी बेसिक सी चीज़ें बतानी चाहिए थी जो आपकी हर जगह हर कोई भी फील्ड का आप डाटा यूज़ करेंगे आपके काम आएंगी, तो वो मैंने आपको बताई हैं। और अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो आप लोगों ने ना मुझसे व्हाट्सएप पे और या कमेंट्स वगैरह में आपने मुझसे ना कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने चैनल को जिन जिन लोगों ने ना इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोगों ने ना इसको सब्सक्राइब करना है। तो ये मैं अपनी हर क्लास के स्टूडेंट को कह रही हूँ कि बाद सफ़ा होता है मैं यहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, कुछ क्लास के लिए मैंने किया उनको पता नहीं था वीडियो अपलोड हुई है ना, तो उसके लिए ये है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद अपडेट आते जाएंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको न्यू लेक्चर मैंने अपलोड किया है कि नहीं किया। So it's enough for this day.
No, I just don't want to do exiting tree. हम exit कर रहे हैं ना, तो explore भी discard the result. So do you want to save? तो ये कह रहा है आपने save करनी है अपना session को. तो if you want to save, you can do. Cancel. So ये जो हमने alignment करवाई थी ना, ये alignment की file भी देखें यहाँ show कर रहा है. बस वो color की form में थी और ये वैसे कर रहा है अभी. यहाँ से अपने डेटा को क्लोज कर सकते हैं. डू यू वॉन्ट टू क्लोज? तो अगर करने जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू क्रिएट वन? यू कैन प्रिजर्व योर डेटा बाई व्यूइंग क्रिएटिंग अ सेफ सेशन. सो और उसके बाद ना यहाँ पर आपके पास एनी अदर ऑप्शन, ये अगर आपने सेव्ड अलाइनमेंट का, तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया अगर आपने अलाइनमेंट कहीं और से की हुई है ना. अच्छा ये ना रेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दी होती है ना, ये जब हमने आपको ये वाला आ जाएगा ना यूज़ करना, उसके बाद ही थोड़ी सी और लेवल की चीज़ है वो, फिर मैं आपको बता सकती हूँ ना इंटर स्पीशीज़ और इंट्रा स्पीशीज़ पे आपने कैसे काम करना है. अगर आपने बिटवीन ग्रुप या विद इन ग्रुप था, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को इससे ट्री बिल्ड करना आ गया है. और अगेन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपने साथ साथ वीडियो को देखना है और इसके ना आपने खुद से परफॉर्म करना है इसको. तो अभी ना अभी तक के लेक्चर्स के लिए ना हम लोग बस फाइलोजेनेटिक ट्री को क्लोज करेंगे. वो ये है कि ये तो आपके सेकंड सेमेस्टर का था कोर्स ना, अभी हमने अपने थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की तरफ जाना है. अभी हमारा वो इतना लाइक कुछ रहते हैं ना उसे कॉन्टेंट्स जो हैं, ऑल दो काफ़ी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हुई हैं. और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, आई एम थिंकिंग कि मैं आपको उनको रिवाइज़ नहीं करवाऊँ. अगर आपको रिवाइज़ करनी है, आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं उन लेक्चर्स के, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करें और आप खुद से उनको रिवाइज़ करें. अगर आप उनको खुद से रिवाइज़ कर लेंगे और फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि हम आपके थर्ड सेमेस्टर के जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्री के जो कॉन्टेंट्स हैं वो हम लोग ना और अच्छे से और ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना. या कुछ एडिशनल अगर कंटेंट्स उस उधर नहीं है, अगर मैं आपको कुछ और सिखाना चाहूँ तो मैं सिखा सकती हूँ. तो फाइलोजनी जो है अभी तक इसको जो है ना हम लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स की बात करेंगे. ओके तो आई होप कि आप लोगों के लिए फाइलोजेनेटिक ट्री, एवोल्यूशनरी ट्री और जो रिलेशनशिप हैं इनकी आपको समझ आई होगी. और स्टूडेंट्स एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो हम लोग क्यों बिल्ड करते हैं और इसमें हम किस तरह से किन किन स्पीशीज़ का, या किस तरह से आप डेटा वगैरह गेट कर सकते हो, किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, और जो मेथड आपने यूज़ करने हैं उनके पीछे कौन कौन सा एल्गोरिदम या किस तरह का लॉजिक है उनके पीछे यूज़ हुआ ना एल्गोरिदम में. तो आई होप कि आप लोगों को मैंने कन्वे करने की कोशिश की और आप लोगों ने इसे गेट किया होगा. ओके देन आज के लिए इतना ही. ओके अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ.